बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला सिंह मुराद अली शाह की ज़ियारत, एपेक्स कमेटी का इजलास, सीपैक के लिए खसूसी फोर्स तश्कील देने की मंजूरी, मजीद 9 मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स पहली बार 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। शहर कायद में अमन अमान के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। शहर में जराइम में वाज़े कमी आई है। सिंध के मुशीर इत्तला'आत मौला बख्श चांडियो की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। 5 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने समाअत से माजरत कर ली। कोयटा में मगरबी बाईपास के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बम हमला, 6 अहलकार जख्मी। भारत का 4,000 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 4 मिसाइल के तजुर्बे का दावा, अग्नि मिसाइल 1 टन वजनी एटम बम ले जाने की सलाहियत रखता है। जनूबी कोरियन सदर की करीबी साथी की बेटी को डेनमार्क से गिरफ्तार कर लिया गया, प्रॉसिक्यूटर्स ने तस्दीक कर दी।